तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या, आप इसे पुण्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि अयोध्या का नाम लेने भर से ही पुण्य मिल जाता है, लेकिन हमारे देश में असदुद्दीन उवैसी नाम के एक नेता हैं जो अयोध्या जाना तो चाहते हैं लेकिन अयोध्या का नाम लेने से उन्हें डर लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 सितंबर को असदुद्दीन उवैसी अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन असदुद्दीन उवैसी ये कह रहे हैं कि वो तो फैजाबाद जा रहे हैं, यानी उनके लिए अयोध्या का मतलब फैजाबाद। संत समाज और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या बनाम फैजाबाद की राजनीति सिर्फ मुस्लिमों को उकसाने के लिए की जा रही है। पीतं वासो वसानं नवकमल दल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं। श्री राम मंदिर की नींव तो तैयार हो चुकी है। मुखकमल मिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकार दीप्तं दधत मुरुजटा। लेकिन इन दिनों अयोध्या में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव को हिलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी के इस पोस्टर को देखने के बाद पूछे जा रहे हैं। आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या है? AIMIM का ये राजनीतिक पोस्टर है जिसमें लिखा है शोषित वंचित समाज सम्मेलन। इसके साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। उनकी तस्वीर लगाना कोई गलत बात नहीं है। इस पोस्टर में असदुद्दीन ओवैसी की भी तस्वीर लगी है। आखिर वो AIMIM के अध्यक्ष हैं, तो उनकी तस्वीर लगाना भी गलत नहीं है। तो फिर गलत क्या है? अयोध्या के लोगों को आपत्ति किस बात पर है? तो इसके लिए आप पोस्टर पर लगे इस लाइन को पढ़िए। यहाँ लिखा है दिनांक 7 सितंबर, दिन मंगलवार, फैजाबाद। यानी फैजाबाद में 7 सितंबर को ओवैसी का कार्यक्रम होगा। लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या को अयोध्या नहीं कहकर फैजाबाद क्यों कह रहे हैं ओवैसी? 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में। 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश में अब फैजाबाद नाम का कोई जिला नहीं है, जिला अयोध्या है। और ये नाम 3 साल पहले बदला जा चुका है। लेकिन वकालत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव के माहौल में शायद सच मानने को तैयार नहीं, और इसीलिए संत समाज उनका विरोध कर रहा है और पूछ रहा है कि अयोध्या बोलने से उन्हें डर क्यों लग रहा है। आखिर आपको इतना चिर अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कह रहे हो भाई? जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम? अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए, ये मैं अयोध्या प्रशासन से मांग करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सियासी पैठ जमाने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति आजमा रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने जानबूझकर फैजाबाद नाम की हड्डी यूपी की हवा में उछाली है। वो विवादित ढांचे के नाम पर धार्मिक भाईचारे की जड़ को हिलाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अयोध्या का हिंदू और मुसलमान दोनों ओवैसी से सावधान हैं, और इसलिए अयोध्या मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को जरूर सुनना चाहिए। हमें चाहते हैं मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अवैसी से लोग होशियार रहें। उत्तर प्रदेश में उनको आना भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो हैदराबाद के हैं, वो अपना हैदराबाद देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ ना करें। ओवैसी की फैजाबाद पॉलिटिक्स पर आपने संत समाज से लेकर मुस्लिम पक्षकार की राय सुनी, अब सरकार का पक्ष जानिए। लोकतंत्र में सभी को छूट है, कहीं भी कोई जाए, लेकिन अयोध्या प्रभु राम से जाना जाता है और हम सब प्रभु राम की शरण में हैं, और प्रभु राम के सिवा अयोध्या का कोई मतलब दूसरे विषय में हम जानकारी नहीं रखते। अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें, अच्छी बात रहेगी। और उनका खुद की पार्टी है, अपना आंदोलन कर रहे हैं, करें, इस पर कोई रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब गिनती के महीने बचे हैं।
सभी पार्टियां जोर लगा रही है, लेकिन ध्रुवीकरण की आग लगाने वालों से जनता को बचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले पर आज शाम 5 बजे जी न्यूज ने अपने कार्यक्रम ताल ठोके में एक बहस की, जिसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा और AIMIM के प्रवक्ता सैयद असीम वकार दोनों शामिल हुए। हमने सवाल पूछा कि ओवैसी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, उन्हें अयोध्या कहने में दिक्कत क्यों है, और क्या वो फैजाबाद कहकर मुस्लिम वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। जवाब सुनिए। मुस्लिम वोट के लिए अयोध्या कहने से परहेज है ओवैसी साहब को, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आप पर यही आरोप लगा रहे सर। और अगर यही बात मैं कहूं कि हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए फैजाबाद कहने से आपको परहेज है, बीजेपी को परहेज है, तो जवाब क्या दीजिएगा? आपको इलाहाबाद से नफरत, आप प्रयागराज कर दें, आप अलीगढ़ से नफरत करके अली, हजरत अली के नाम पर, अली उससे इतनी नफरत है मोहसिन रजा को अली के नाम से कि उसको हरिगढ़ किया जा रहा है। अब मोहसिन रजा तय कर लें कि इनको हजरत अली के नाम से इतनी नफरत। मोहसिन रजा आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने, आपके जवाब ले लीजिए ना। सुरक्षा कवच, बुलेट प्रूफ, वो सब सर सबने देखा और सबने सुना, कोई बात नहीं, मैं वक्त जाया नहीं करती, मुझे पता है मुद्दे पर कैसे रह जाता है। जी मैडम, आप मोहसिन रजा को, मोहसिन रजा सवाल का जवाब ले लीजिए सर मोहसिन रजा से। लेकिन इनसे ये पूछिए कि ये जो अयोध्या जाने से गुरेज कर रहे हैं, ये वही देश है जहां प्रॉफिट मोहम्मद के घराने पर बर्बरता हो रही थी अरब के अंदर, तो वो हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश कर रहे थे। तो नफरत कौन करता है? नफरत कौन से लोग करते हैं? जो तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। हिंदुस्तानी विचारधारा के लोग कभी नफरत नहीं करते हैं, ये इनकी बात है। इन्होंने जानबूझ कर ये जो मुद्दा उठाने की कोशिश की है, ये तालिबानी विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर अयोध्या से गुरेज किया जा रहा है, और बार बार मुगल शासकों द्वारा रखा गया नाम फैजाबाद लेने की कोशिश की जा रही है, वो अब नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। तो बीजेपी और AIMIM के बीच जुबानी जंग से एक बात तो साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी का इस वक्त ध्यान अयोध्या पर है, हालांकि वो इसका नाम लेने से बचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान कहां है? उनका ध्यान है उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उसके कोने में ये भी देख पा रहे हैं, तस्वीर है गोरखपुर की, जिसमें वो बोट पर सवार हुए और हालात का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित परिवारों से वो मिले हैं। इस दौरान एक बच्चे को सहलाते हुए, उसके सिर पर हाथ रखते हुए, और वहीं एक बच्चा ऐसा भी रहा जिन्हें, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोदी में उठा लिया, गोद में उठा लिया, और एक बच्चे को अपनी उंगली भी थमा दी। तो इस तरह से बच्चे को गोद में उठाया और उसे पहले अपनी उंगली थमाई और थोड़ी दूर तक उस बच्चे की उंगली पकड़कर चले गए। आसपास मौजूद लोगों के हाव भाव आप देखेंगे, तो हर कोई इस आत्मीयता को देखकर खुश भी था और हैरान भी था। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को खाना भी दिया है और पीड़ितों को राहत सामग्री भी दी। चल चल चल, उत्तर प्रदेश से अब चलेंगे झारखंड। झारखंड में नमाज रूम पर जंग छिड़ गई है। दरअसल झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 सितंबर को रूम आवंटित किया गया था। यह रूम है विधानसभा भवन का कमरा नंबर 348। बीजेपी ने इसे मजहबी तुष्टिकरण से जोड़ा है और विधानसभा अध्यक्ष से, स्पीकर से अपील की है कि यह फैसला वापस ले लिया जाए। स्पीकर ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है। जी न्यूज से बातचीत के दौरान झारखंड के फॉर्मर सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। अगर माननीय अध्यक्ष जी किसी के दबाव में या सरकार के दबाव में या भूलवश इस तरह का निर्णय ले लिया, तो अगर वो वापस कर लेते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी। अन्यथा अगर ये पत्र वापस नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे विधायकगण, विधायक दल के नेता जी और भारतीय जनता पार्टी तो आंदोलन कर ही रहे, मैं विधानसभा के बाहर
अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि इस विधानसभा पर कोई धब्बा ना लगे, लोकतंत्र के मद्दी धर्म का अखाड़ा ना बने, मैं विधानसभा में अनशन बैठूंगा अगर विधानसभा अध्यक्ष इसे वापस पत्र को वापस नहीं करती। अब वहां की राजनीति को समझिए। झारखंड में इस वक्त किसकी सरकार है? जेएमएम की सरकार है। बीजेपी कहां है? बीजेपी विपक्ष में है। इस पूरे मामले पर कौन क्या कह रहा है और कैसे ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पूरे डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में। झारखंड में नमाज रूम पर जंग। ये झारखंड का विधानसभा भवन है। रांची की इसी इमारत से सरकार चलती है, लेकिन इन दिनों ये इमारत मजहबी वजहों से सुर्खियों में है। हुआ ये कि झारखंड की सरकार ने विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित किया, यानी मुसलमानों के लिए विधानसभा परिसर में अलग से एक नमाज रूम की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये व्यवस्था बीजेपी को पसंद नहीं आई। बीजेपी ने कहा, हमें हनुमान चालीसा के लिए कमरा दिलाओ। जब आप मुस्लिम धर्मावलंबी को दे रहे हैं, जगह मुहैया करा रहे हैं, तो हम हिंदू समाज के विधायकों ने क्या कसूर किया? मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़ना है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी कम से कम बड़े साइज का एक हॉल दे। रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर धर्म के आधार पर कमरे दिए जा रहे हैं तो विधानसभा के अंदर मंदिर का भी निर्माण हो। विधानसभा के अंदर मंदिर का भी निर्माण हो जाना चाहिए, ताकि वो उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकें। तब यह परिलक्षित होगा कि वर्तमान सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कर रही है। झारखंड में सरकार जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दलों की है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी विपक्ष में है। जेएमएम की ओर से सफाई दी जा रही है कि ये कोई नई व्यवस्था थोड़ी ही है। इनको संज्ञान मिले होना चाहिए, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। पुरानी विधानसभा में भी, झारखंड विधानसभा में एक अलग कक्ष था जहां नमाज अदा की जाती थी, जो भी इस्लाम धर्मावलंबी थे। बिहार विधानसभा में भी ये व्यवस्था लागू है, वहां भी ये व्यवस्था दिया गया है। लेकिन इस तरह की बातें करके सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करना, जो इनका एकमात्र एजेंडा है। कांग्रेस कह रही है कि जब भी मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जाते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुस्लिम और मुस्लिम समस्याओं के प्रति कभी भी जागरूक नहीं होते हैं, बल्कि उनको अगर किसी तरह की सुविधा दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होना लाजमी हो जाता है। विधानसभा परिसर में मुस्लिमों के लिए नमाज रूम पर जंग जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने समर्थकों को मैसेज देने में जुटे हैं और शायद दोनों अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएं। अभिषेक भगत के साथ मनीष मिश्रा, जी मीडिया, रांची। बात सभी धर्मों के सम्मान की जाती है, लेकिन इबादत पर संग्राम छिड़ जाता है। हमारी अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, और यही वजह है कि अब यहां के लोगों से मुलाकात के लिए अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा जा रहा है। जी न्यूज पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कुल 78 मंत्री, जिनमें से 70 मंत्रियों को, सोचिए टोटल 78 मंत्री, इनमें से 70 मंत्रियों को जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए कहा गया है। जानकारी हमें यह मिल रही है कि 70 मंत्रियों का यह दौरा 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। हर सप्ताह 8 मंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे, 4 मंत्री जम्मू जाएंगे और 4 मंत्री कश्मीर का दौरा करेंगे हर हफ्ते। इस दौरान वो स्थानीय प्रशासन, सरपंचों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए किए गए कार्यों का भी वो जायजा लेंगे और उसके बारे में लोकल्स को जानकारी भी देंगे, और फिर वापस दिल्ली आकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये मंत्री अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद, इसे हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की वहां की जनता से सीधे मिलने की ये दूसरी कवायद है। पिछले साल याद कीजिए
18 से 24 जनवरी के बीच 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। आज जिस प्रकार से केंद्र से 70 मंत्रियों का जम्मू कश्मीर में आना हो रहा है, सचमुच में जो मोदी जी का सपना था कश्मीर और दिल्ली की दूरी को कम करना, ऐसा ही इन मंत्रियों के कारण किया जा रहा है। और मंत्री लोगों की पंचायतों में, लोगों के घरों तक पहुंचकर वहां पे किस प्रकार से डेवलपमेंट की जाए और किस प्रकार से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को भी आर्थिक रूप से उभारा जाए, इसके लिए विशेष रूप से जिस प्रकार से मंत्री आ रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है और हम इसका वेलकम करते हैं। तो कैसे दिल की दूरी कम की जाए दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच, उस दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर में, जो कि अफगानिस्तान सबसे बड़ी खबर है, बड़ा सवाल आज भी यही रहा कि तालिबान की नई सरकार बनेगी कब। दुनिया में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तालिबान पहले तो सरकार गठन की तारीख दे देता है और बाद में इसी तारीख को आगे भी बढ़ा देता है। तालिबान ने एक बार फिर से सरकार गठन को टाल दिया है और इस सब के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद एक डेलीगेशन के साथ काबुल पहुंच गए हैं। ISI की काबुल में मौजूदगी क्या बताती है? ये बताती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की कठपुतली सरकार बैठाने की तैयारी कर ली है, यानी कुल मिलाकर इसकी डोर पाकिस्तान के ही हाथ में रहेगी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हर रोज नई सरकार के गठन की तारीख दी जा रही है। कभी अमेरिका के देश से वापस लौटने और कभी पंजशीर पर तालिबान के झूठे कब्जे पर जश्न मनाते तालिबानियों की तस्वीरें भी सामने आती हैं। रोज तालिबान की नई कैबिनेट में शामिल नेताओं के नाम भी बताए जाते हैं। अब तो तालिबान सरकार के गठन की खबरों के बीच महिलाएं भी अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कहीं नहीं दिखाई दे रही वो है तालिबान की नई सरकार। लेकिन इन सारी अपडेट्स के बीच अफगानिस्तान से आई एक तस्वीर सारी कहानी बयान कर देती है। इस तस्वीर में अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के नए गठजोड़ के सबूत भी छिपे हैं। ये तस्वीर है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की, जो शनिवार की सुबह काबुल में तालिबानी चाय का लुत्फ उठाते नजर आए। काबुल में आज पाकिस्तान का एक सीनियर मिलिट्री डेलीगेशन जो है वो पहुंचा है और इस मिलिट्री डेलीगेशन की क़यादत जो है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कर रहे हैं। इस डेलीगेशन को तालिबान की जानेब से, तालिबान की जो काबुल शुरू है, उन्होंने इनवाइट किया है, जिसकी इनवाइट के ऊपर वो यहाँ पे विजिट करें, जिसमें जो और उनकी मुलाकातें कतर के जो स्पेशल एनवॉय हैं कतानी साहब उनसे, और साथ में तालिबान की लीडरशिप उनसे भी मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों में बॉर्डर मैनेजमेंट, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, साथ साथ जो इवैक्यूएशन सिलसिला है उसके ऊपर बातचीत, और साथ में अफगान सॉयल, अफगान सरजमीन जो है किसी भी दहशतगर्द अनासर के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके उसके ऊपर इन मुलाकातों के ऊपर फोकस होगा। और अब आप अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन से पहले काबुल में ISI चीफ की मौजूदगी के मायने समझिए। साफ है तालिबान की नई सरकार में पाकिस्तान का बड़ा दखल होगा। ISI अपने मोहरों को सरकार में जगह दिलवाएगी। हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को तालिबान सरकार में बड़ी ताकत मिलेगी क्योंकि आतंक का हक्कानी नेटवर्क ISI के इशारों पर ही काम करता है। ISI चीफ जो काबुल में इस समय बैठा हुआ है या कंधार गया और कंधार से काबुल गया है, उसका कोई मकसद है, और ऑब्वियसली मकसद तो वैसे ही पाकिस्तान का है कि जो नई तालिबान सरकार बने उसमें वो इंश्योर करे, पक्का करे कि जो जो लोग भी आते हैं पावर में, जिन जिन को भी ओहदे मिलते हैं, वो सब के सब पाकिस्तान के तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो। वैसे पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि दुनिया के सामने तालिबान से अपनी नजदीकियों को दिखा सके। दोहा में भी पाकिस्तान के अफसरों और तालिबान लीडर्स के साथ मीटिंग हुई जिसकी फोटो भी सामने आई।
जबकि भारत की तरफ से तालिबान से मुलाकात के बावजूद कोई फोटो जारी नहीं की। और काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआई चीफ अफगानिस्तान पहुंचने वाले पहले बड़े विदेशी रैंक के अधिकारी हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के पहले पाकिस्तान काबुल में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल में चाय पीते नजर आ रहे हैं। लेकिन काबुल में आईएसआई की मौजूदगी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। अब आप समझिए आईएसआई की काबुल में मौजूदगी भारत समेत दुनिया के लिए बड़ा खतरा क्यों है। काबुल में आईएसआई चीफ की मौजूदगी बताती है कि पाकिस्तान तालिबान को मिलिट्री ट्रेनिंग और सैन्य मदद देता रहेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान को पाकिस्तान आतंकवाद का नया ठिकाना बनाएगा। पाकिस्तान में काम कर रहे आतंकवादी अब अफगानिस्तान में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा तालिबान से अपनी नजदीकी दिखाकर पाकिस्तान अमेरिका और चीन से डील करेगा। पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की साजिश भी रच रहा है। पाकिस्तान इस समय तालिबान के बिहाफ पे मार्केटिंग कर रहा है। उनके विदेश मंत्री अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के पास गए हैं, उनसे मिल रहे हैं। कुछ विदेशी पश्चिम देशों से भी कुछ मंत्री पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जहां तक संभव हो वो तालिबान को एक मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेके आए और उसे जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता मिल सके। वैसे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की राह में कई रोड हैं, लेकिन आईएसआई की काबुल में मौजूदगी ये बता रही है कि पाकिस्तान तालिबान सरकार को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।